वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक की बात की जाए तो 1.75 रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक 5 पैसे की गिरावट देखने को मिले, टोटली 2.8x से लेकर तकरीबन जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसके साथ ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है। फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक नया 52 वीक लो आज के दिन में देखने को मिला है। फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के अंदर 1.70 का जो आज का लो है उसी देख सकते कि नया 52 वीक लो देखने को मिला है 1.70 का आज के दिन में। आज ओपन तो देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ था, ओपन होते ही देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग जो सपोर्ट कर रहा था उसी को ब्रेकआउट दिया और रिसेंटली देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस एक्ट होता हुआ नजर आ चुका है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के लिए। तो फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के बाकी के डिटेल देखे जाए जैसे कि मार्केट कैप 337 करोड़ की मार्केट कैप है, मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिले। वॉल्यूम देखा जाए तो देख सकते तकरीबन आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो 46,32,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है यहाँ पे आज के दिन में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 81 लाख के ऊपर जाती हुई नजर आ चुकी है आज के दिन में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देख सकते बाइंग के लिए 41 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 87 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो रिसेंटली क्वांटिटी जो ट्रेडेड है 45 लाख, उसमें से 30 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। टोटल 66% क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो फ्यूचर कंज्यूमर का चार्ट भी देखा जाए तो चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि आज नया 52 वीक लो बनाया, आज नीचे क्लोजिंग देते तो और गिरावट करके दिन में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के लिए।